हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब? जल्दी से बेटा सब लोग लाइव आ जाओ, शुरू करते हैं आपका सेशन। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एंड आई कैन सी यू ऑल। मिहिर कैसे हैं बेटा? बहुत बढ़िया, वेल डन। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, बेटा इज नॉट गोल्ड आएगा, ठीक है? CDS का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे मत करो, ठीक है? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड आएगा, ठीक है? तो बेटा CDS में 2 बार ये सेम क्वेश्चन आ चुका है, 2020 में, 2021 में, तो आप चेक करेंगे, ठीक है? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, राइट सेंटेंस, बिल्कुल। राम राम, राम राम बेटा। कार्तिक ठाकुर कैसे हैं? तो बच्चों शुरू करते हैं आपका सेशन। लो बहुत बढ़िया, सब लोग आ चुके हैं, जय हिंद। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, इस टाइम हम करा रहे हैं आपको CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स अ पोस्ट मॉडर्न सीरीज। पूरी कोशिश है कि एक एक क्वेश्चन को उखाड़ दिया जाए एग्जाम से पहले, जो आप जब एग्जाम देने जाएं तो पूरे कॉन्फिडेंस से एग्जाम देने जाएं, आपको कोई दिक्कत ही ना हो। और प्रीवियस ईयर जो कहते हैं 2 साल 4 साल के, देख लो बेटा, हम तो आपको 2017 से लेके अब तक के दिखा देंगे। ओके, काफी अच्छा था, वेरी इफेक्टिव। चलो बेटा अनुराग, बहुत बढ़िया। तो आपको ये भी ऐसे ही अच्छा लगने वाला है। तो मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिसोदिया, मैंने PhD किया है इंग्लिश लिटरेचर में, 12 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एग्जाम टॉट लाइक CDS आपका CAPF, लाखों स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज माय कोड AMSIR। बेटा आप ये मेरा कोड यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू क्रैक CDS आफ्टर CAPF विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो आपको अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। एंड आफ्टर दैट बेटा आपको क्या होगा, यू विल बी एबल टू एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड द रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज टॉप एंड द बेस्ट एजुकेटर्स। ओके, एंड अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मिलता क्या है बेटा, आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, आपको मिलते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जितने चाहो उतने, एंड लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, और अनलिमिटेड एक्सेस टू एवरीथिंग। अनलिमिटेड मतलब अनअकैडमी। सर क्लास लाइव नहीं दिखता, और मॉर्निंग की क्लास लाइव दिखता ही है कैसे बेटा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक, आ जाओ। सम्चुअस होगा, आउटले होगा, एंड टेल्स होगा बेटा, एलुक्वेंट होना पड़ेगा, अकॉर्डेड कर देंगे। वैग्रीज हाइपोथेटिकल है, तो बेटा आप टैपिड हो जाते हैं, और उसके बाद में 2 और वर्ड भी, तो बेटा शोर याद है ना, शोर अप करना याद आया कुछ कुछ, आ जाओ बेटा। तो इसके बाद अनअकैडमी लर्निंग आपको बेटा आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? यहां से जाके गोल सेलेक्ट करेंगे CDS एफकेट CAPF, और यहां लिखा आएगा सब्सक्रिप्शन, आप लिखेंगे AMSIR। तो बेटा AMSIR से आपको क्या बेनिफिट होगा, एक तो आपको हर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा ये फायदा होगा कि आप मेरी स्पेशल क्लासेस को, स्पेशल या फ्री कंटेंट को अवेल कर पाएंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट गाइस, ये हमारी फ्री लाइव क्लासेस, बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस। अभी रात को एक क्लास होगी 9 PM पे। ओके बेटा, संजीवनी बैच में क्या करेंगे आज, पैरा जंबल सेंटेंसेस, पैरा जंबल सेंटेंसेस करने वाले हैं रात को बेटा 9 बजे से। बच्चों की डिमांड थी कि सर रीडिंग भी कराया करो, रीडिंग एबिलिटी हमारा पुअर रह जाता है, और ये हमारा फ्री कंटेंट है। इसे बेटा अगर आपको एक्सेस करना है तो एप्लीकेशन डालो, लॉग इन करो, स्पेशल में जाके AMSIR लिखो, तो आपको मेरा फ्री कंटेंट मिल जाएगा। ये बेटा बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती हैं, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल जिसे आप आज ही ज्वाइन करें, एंड बी द पार्ट ऑफ दिस, यू विल गेट ऑल द PDFs देयर। एंड जहां तक बात आती है बेटा सब्सक्रिप्शन की, यू कैन अवेल वॉट एवर यू वॉन्ट, लाइक 1 month, 3 months, 6 months, 12 months एंड 24 months। बट जो सबसे अच्छे सेक्टर वो होते हैं बेटा, सबसे बढ़िया होता है 12 month का, एकदम प्राइम बेटा। 24 महीने का वो बच्चे लेते हैं जो ग्रेजुएशन में है, लेकिन जो बेटा अपना फ्यूचर अभी देख रहे हैं डिफेंस में, वो 12 महीने का लेते हैं, क्योंकि 1 साल लग जाता है अभी CDS दोगे, जब तक बेटा उसका सब कुछ क्लैरिफिकेशन होगा, SSB होगा, दूसरा CDS सामने आ जाएगा। तो तैयारी हम तब तक बंद नहीं करते जब तक फाइनल सिलेक्शन ना ले लें, इसीलिए 1 साल का तो बिल्कुल प्राइम है, ग्रेजुएशन वाले 24 महीने का, और जिनको लगता है सर लास्ट अटेम्प्ट है वो 6 महीने का, ठीक है? ये सब्सक्रिप्शन ले लो बेटा, और 14,080 और 7,920 और 9,080 680 का 587 और 807 रुपए पर मंथ में मिल जाता है, ठीक है? AMSIR यूज कर लेना, ठीक, इससे आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक? आ जाओ बच्चे, ये हमारा सफलता बैच बेटा, ये पेड बैच है, इसे ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्रिप्शन लेना होगा, ठीक है? उससे अलग बच्चों ये हमारा बैच है, दिस इज, ये भी पेड बैच है, इसको भी ज्वाइन करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा। पेड बैच बेटा, ये 3 3 बैच चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 60-day plan बेटा, बेस्ट पार्ट ऑफ आवर क्लासेस, 100% फ्री, फ्री फॉर ऑल, सबके लिए फ्री बेटा। अगर आप हमारे साथ 60 दिन जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये कहता हूं, इन 60 दिन के अंदर बेटा हम करीबन करीबन
अगर मैंने सारे काउंट किया आपको उस दिन बताए थे तो बेटा 20,000 के आसपास क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि 12,000 के आसपास तो वर्ड्स ही हो जाएंगे, फिर ग्रामर है, सब कुछ है। बेटा 20,000 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर रहे हो इतने कम टाइम में, तो आप ये सोचो कुछ बचना ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा यूट्यूब पे आपको दो क्लास अटेंड करनी है, 1-8 बजे से वोकैबुलरी और शाम को 7 बजे से इंग्लिश पोस्टमार्टम जिसमें आप हैं। उसके बाद बेटा एप्लीकेशन पे आपको 2 क्लास अटेंड करनी है, सुबह 9:30 बजे वोकैब बूस्टर और रात को 9 बजे ग्रामर संजीवनी। और इससे अलग बेटा सैटरडे को क्या है आपका, कल है आपका रिवीजन टेस्ट। ये आप सबने बेटा बहुत डिमांड की थी रिवीजन टेस्ट की, तो मैंने कल लगा दिया, बट आई वॉन्ट कि ज्यादा से ज्यादा बेटा स्टूडेंट इसमें भाग लें, ठीक है भाई। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे तो लगेगा कि जो आप चाहते हैं वो अगर हम करते हैं तो वो सक्सेसफुल इवेंट होता है, ओके। तो बच्चों कल हमारा रिवीजन क्लास होगा सैटरडे को। आओ बच्चों आज हम शुरू करते हैं CDS 2018 क्लास 3rd, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 60 तक। ये बेटा CDS का पेपर नंबर 1 है, मतलब CDS 1 की हम बात करें, ओके। तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो सब लोग, बच्चों एक बार बढ़िया से लाइक और शेयर हो जाए सेशन, तो मैं शुरू करता हूं बेटा सेशन आपका, ठीक है। हो जाते हैं लेकिन अपोजिट बेटा ऑप्शन कंफ्यूजिंग होते ही है, उसके लिए ही तो देखो बच्चों वर्ड्स तो आपको याद करा दिया वोकैबुलरी में, अब आपकी एक दिक्कत रहेगी सर ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते हैं बेटा, इसीलिए तो आपके लिए वोकैब बूस्टर कराते हैं। वोकैब बूस्टर क्यों चलाया गया, जिससे आप ऑप्शंस को देके क्वेश्चंस को ब्रेक कर पाओ। आज जो बच्चे क्लास में थे वोकैब बूस्टर की, उन्होंने यही लिखा कि सर आज के क्वेश्चंस तो आसान है लेकिन ऑप्शंस बहुत डिफिकल्ट है, वेरी क्लोज ऑप्शंस आर देयर एंड इट इज गेटिंग डिफिकल्ट टू गेट द आंसर, ओके। सो दैट्स व्हाई गाइस वी आर प्रोवाइडिंग यू 2 क्लासेस टुगेदर। One is like the descriptive English where you are getting the vocab and we are trying to make you learn all those words, okay? And after that, the second class, that is only for the practice. So you should join the both sessions and that will be helpful for the vocab. I can assure you all that you never have the problem with the vocab after these 2 classes. So aaj shuru hota hai beta pitara aapka paper ka aur Mihir aapke liye shayad ye बहुत अच्छा सेक्शन नहीं होगा, बट लेट्स सी बेटा करना तो ये भी है ना, ये 100% फ्री मार्क्स होते हैं इफ यू नो हाउ टू सॉल्व दीज पैराजंबर सेंटेंसेस, ओके। सो वी हैव फर्स्ट 10 क्वेश्चंस बेटा, ये आपके पेपर में आए थे, अब आप करना शुरू करें, फटाफट बताएं क्या आंसर होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर आर ऑर्डर एंड सेफ्टी इन आर सिविलाइजेशन, दस इन डिस्प्यूट्स बिटवीन मैन एंड मैन राइट हैज टेकन द प्लेस ऑफ माइट। If today I have a quarrel with another man, I do not get beaten merely because I am physically weaker. I go to law and the law will decide fairly between the man of us, two of us. Moreover, the law protects me from robbery and violence. What will be the correct answer? Karo bachche answer, fatafat se batao kya answer hoga. Karo bachcho. करो बच्चों 41 का आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दो। जूम करने को बोला था अमित सर ने, इतना बड़ा कर दिया, ओके। बेटा ये पता है क्या है, मैं आपको बताता हूं, या क्वेश्चंस ना मतलब बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है लैंग्वेज, तो उसको थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं। लेट्स सी बेटा कल से कर देंगे, ठीक है बेटा, कल से और बड़ा करवा देंगे, घबराओ मत, ठीक है, घबराओ मत बेटा, कल से और बड़ा करवा देंगे इसको। लेट्स सी बच्चों करें आंसर, ठीक है, समझो भाई आपने जैसे भी आंसर निकाला हो वो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम एक बात समझने की कोशिश करते हैं। एक तो बच्चों देखो पहले क्या है, हमने आर्मी का आई गो टू लॉ एंड द लॉ विल डिसाइड फेयरली बिटवीन द टू ऑफ अस, ठीक है। मोर ओवर जो आपका है, मोर ओवर द लॉ प्रोटेक्ट्स मी, तो हमें एक बात समझ आती है कि जो आर है इस आर के बाद बेटा एस आना चाहिए, क्योंकि लॉ की बात इन दोनों सेंटेंसेस में, ठीक है, और यहां लॉ इन जर्नल है और इसमें वो वाला लॉ है जो मुझे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो एक बात तो ये कि आरएस कहां कहां है, आरएस यहां है, ठीक है, यहां बेटा आर के पहले ऐसे हटा दो, आंसर नहीं हो सकता, आर के बाद ऐसे आंसर हो सकता है, ठीक है, आर के बाद ऐसे आंसर हो सकता है। अब बात आती है शुरुआत, देखते हैं कहां से होगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर आर ऑर्डर्स एंड सेफ्टी इन आर सिविलाइजेशन, आर कहता है, आर कहता है बच्चों आई गो टू लॉ एंड द लॉ विल डिसाइड फेयरली बिटवीन द टू ऑफ अस, ठीक है। तो बेटा कौन दो अस, जो लड़ते हैं, तो लड़ना किसमें, क्यू में, तो बेटा क्यू के बाद क्या आएगा, क्यू के बाद आपका आएगा आर, ये भी क्लियर है, तो क्यू के बाद आर कहां है बेटा, यहां है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, बिल्कुल सही। देखो बच्चों ये वो सेक्शन है, बिल्कुल सही आप आंसर दे रहे हो,
ये वो सेक्शन है जो बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको इस सेक्शन का हर क्वेश्चन लॉजिक के साथ सॉल्व करके दिखाऊं, जिससे आप लोग बेटा अच्छे से समझ पाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो हमने जब इस वाले सेंटेंस में देखा तो हमने कहा लॉ विल डिसाइड फेयरली बिटवीन द टू ऑफ अस, बेटा कौन से दो लोग, कौन से दो लोग, जो दो लोग बेटा क्यू में मेंशन है, तो क्यू के बाद आर आएगा, आर के बाद एस होगा, क्यू के बाद आर भी है, आर के बाद एस भी है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आंसर होगा, करो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर होगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक छोटा सा लिंक लिख दिया करें कि सर ये लिंक होगा इस वजह से आंसर होगा, ठीक है भाई। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक लिंक लिख दिया करें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे हमने कहा इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, देख लो बच्चों साइज बड़ा करते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर सामने से हटना ही पड़ेगा। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज मैन आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है, व्हाइल सम फ्यू पीपल लिव इन लग्जरी, मैनी हैव नॉट इनफ टू ईट ड्रिंक एंड वियर, देयर आर मैनी फैमिलीज टू फाइव और सिक्स पर्सन हु लिव इन अ सिंगल रूम, बट द शेयरिंग आउट ऑफ मनी विच मीन्स द शेयरिंग आउट ऑफ फूड एंड क्लोथिंग एंड हाउसेज इज स्टिल वेरी अनफेयर, इन दिस रूम दे स्लीप एंड ड्रेस एंड वॉश एंड ईट एंड इन दिस सेम रूम दे डाई, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। एक रूल आपको, एक मतलब कहते हैं ना कि बेटा एक लिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्या वो लिंक है उसे ब्रेक करो पहले। हाँ बच्चों बिल्कुल सही बात है, ये जो बच्चे लिख रहे हैं यही मैं चाहता हूं। देखो क्यों में कहा गया है कि देयर आर मैनी फैमिलीज ऑफ फाइव और सिक्स पर्सन्स हु लिव इन अ सिंगल रूम, और यहां लिखा गया इन दिस सेम रूम, तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी कंडीशन में क्यू के बाद एस आएगा, इसको आप कभी ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेटा क्यू के बाद एस यहां है, बिल्कुल सही बात है, क्यू के पहले ऐसे हटाओ आंसर नहीं होगा, बहुत बढ़िया बेटा, क्यू के बाद ऐसे, बिल्कुल सही बात है, आंसर हो सकता है बेटा, क्यू के पहले ऐसे आंसर नहीं होगा बेटा। एक बार में केबीसी के जैसे हो गया ना 50-50, अब हो गया 50-50, अब 50-50 में से आंसर निकाल लें भाई। आसान तरीका है ना, चीजों को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को सुलझाना है, तो सुलझाने में हमें यह समझ आया ये दो आंसर नहीं है। अब शुरू करते हैं, कहां से शुरुआत करें बेटा, आर से शुरुआत करते, पहला वही है इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज मैन आर इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। आपने कहा बट द, मतलब आर कहता है बट द शेयरिंग आउट ऑफ मनी विच मीन्स द शेयरिंग आउट ऑफ फूड एंड क्लोथिंग एंड हाउसेज इज स्टिल वेरी अनफेयर, लेकिन फिर भी बेटा ये सब चीजें बहुत अनफेयर है। पी कहता है एंड दे सॉरी वाइल सम फ्यू पीपल लिव इन लग्जरी एंड मैनी हैव नॉट इनफ टू ईट ड्रिंक एंड वियर, ये आंसर हो सकता है। और इसके बाद बेटा एक चीज और देखना, एंड दे लिव लाइक दिस नॉट फॉर फन बट बिकॉज दे आर टू पुअर, एक बात और समझ आती है कि ये जो S6 है इसमें गरीब लोगों की बात की गई है, ठीक है, वो किसमें डिस्क्राइब्ड है बेटा, S में, तो S वाला लास्ट सेंटेंस होना चाहिए, R वाला लास्ट नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, A होगा, बना लॉजिक, बहुत बढ़िया बेटा, C नहीं होगा, A आंसर होगा, करके गड़बड़ हो गया काम, देखो फिर वही गलती कर दी भाई। ये चीज तो हमें समझ आ रहा है कि हम इसमें जो लॉजिक लगा पा रहे हैं, एक लगा पा रहे हैं कि क्यू के बाद एस होगा, ठीक है, क्यू एस से हमने ब्रेक करा। अब एक बात बताओ, इसका लास्ट सेंटेंस आपने कहा आर, आर कहता है बट द शेयरिंग आउट ऑफ मनी विच मींस द शेयरिंग आउट ऑफ फूड एंड क्लोथिंग एंड हाउसेस इज स्टिल वेरी अनफेयर, एंड आपने कहा एंड दे लिव लाइक दिस नॉट फॉर फन, ये मजे के लिए नहीं रहते हैं, बट बिकॉज दे आर टू पुअर, वो बहुत गरीब हैं टू अफोर्ड अनदर रूम, वो दूसरा रूम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये तो बेटा एस में लिखा गया है ना, इन दिस रूम दे स्लीप एंड ड्रेस एंड वॉश एंड ईट एंड दिस सेम रूम दे डाई, Why? Because they are too poor. So conclusion कहां होगा? S में होगा. A will be the correct answer. आया समझ? Of course, A should be the correct answer. Well done बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. I think so. Logical समझ आ रहे हैं? हम कोई भी बात illogical नहीं करेंगे. कोई pressure आपके दिमाग पे नहीं डाला जाएगा कि आपको मेरी बात माननी हो. लेकिन आपको बेटा ये समझना होगा कि link कहां से. तो मैंने आपको दो बातें समझाई. QS एक लिंक है और S6 बेटा S और S6 एक दूसरा लिंक है और ये दोनों लिंक कहां सेटिस्फाइड होते हैं A में. इट विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा. मच टू पुअर, ठीक है बच्चे, मच टू पुअर बिल्कुल सही. टुमारो इट विल बी अ वेरी इट विल बी अ ईयर सिंस वी लॉस्ट आवर ग्रेट लीडर. To these, he added a feminine sensitiveness to the atmosphere. He was involved in the major events of the time.
ही पार्टिसिपेटेड इन दैम ऑल वाइल मेंटेनिंग द हाइएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक कंडक्ट. ही वॉज इनकम्पेरेबली द ग्रेटेस्ट फिगर इन आवर हिस्ट्री, अ मैन ऑफ डायनेमिक फोर्स, इंटेलेक्चुअल पावर एंड प्रोफाउंड विजन. और लास्ट में कहा गया, दो ही इज नो मोर विद अस, द क्वालिटीज ही पोजेस्ड एंड द आइडियल्स ही चेरिश्ड रिमेन विद अस. वो तो हमारे साथ अभी भी है. वॉट विल बी द करेक्ट आंसर? करो बच्चे आंसर, करो क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर मार्क करो. देखता हूं कितने बच्चे बना पाते हैं. बढ़िया बेटा, समझ आ रहा है बढ़िया से. देखो पेशेंस के बिना कुछ समझ नहीं आएगा. मैं बार बार कहता हूं भाई, आप डिफेंस कैटेगरी के बच्चे हैं, आपके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होना बहुत जरूरी है. आपके दिमाग का शांत होना, आपके अंदर पेशेंस होना, ये आपकी सबसे अहम क्वालिटी है. आपने जैसे भी निकाला है बहुत अच्छा. एक लिंक किसी ने लिखा नहीं, लिंक हमें समझ आ रहा है. क्या समझ आ रहा है? हम कह रहे हैं बच्चों यहां देखो, टू दीज ही एडिट नहीं, हाँ, ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन द मेजर इवेंट्स ऑफ हिज टाइम्स. ठीक है, ही पार्टिसिपेटेड इन दैम ऑल, इन सब के अंदर उसने पार्टिसिपेटेड किया. यानी कि हमारा जो क्यू है उसके बाद आर होगा. क्या आप में से कोई इस बात से डिनाई कर सकता है? भाई नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, ये तो सब मानते हैं. बेटा क्यू आर होगा, अगर क्यू आर होगा तो मिलाना शुरू करते हैं. देखो बेटा, क्यू के पहले आर आंसर नहीं होगा. बेटा क्यू के पहले आर आंसर नहीं होगा. बेटा क्यू के पहले आर आंसर नहीं होगा. बेटा क्यू के बाद में आर आंसर होगा. डी विल बी द करेक्ट आंसर. और जिसको भी जरा सा भी शक हो, वो पूरा सेंटेंस भी मिला के देख सकता है. क्योंकि कुछ बातें बेटा यूनिवर्सल होती हैं कि नाउन के बाद ही प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आ सकता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी. बेटा सेशन लाइक और शेयर हो जाना चाहिए, बस इतना आप करते जाएं. बताओ समझ आ रहा है? एक बार बेटा थम्स अप कर दो. एस एंड पी आर लिंक्ड, बेटा आपने कहा है एस एंड पी आर लिंक्ड, तो आप एस को कह रहे हो जैसे आपने कहा होगा, ही वॉज इनकेबल द ग्रेटेस्ट फिगर इन आर कंट्री, अ मैन ऑफ डायनेमिक फोर्स, इंटेलेक्चुअल पावर एंड द प्रोफाउंड विजन, टू दीज ही एडिड अ फेमिनिन. बिल्कुल सही बात है, इन सब के अंदर उसके अंदर ये जो फेमिनिन सेंसिटिविटी है ये भी थी. बेटा बिल्कुल सही बात है, एस और पी भी लिंक्ड है, क्योंकि ये सारे उसकी क्वालिटी को बताते हैं. बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया. आई अप्रिशिएट योर हार्डवर्क बेटा, बहुत अच्छे. मैं तो सच में भाई इतना सोचता हूं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो. देखो 4 घंटे तो भाई मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ. आप में से बहुत अच्छे हैं जो, मतलब बहुत बच्चे हैं जो लगातार 4 घंटे बेटा मेरे साथ डेली पूरी इंग्लिश पढ़ते हैं. ठीक है, उससे अलग आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे आपका जीएस है बेटा, हो सकता है 3-4 घंटे आप वो भी पढ़ते हो, प्लस आप इन सबका एक बार छोटा सा रिविजन भी करते होगे, तो 2 घंटे और लगा लो. 4 और 4, 8 और 2, 10. मुझे लगता है बेटा 10 से 12 घंटे तो आप कम से कम पढ़ रहे हो, और ये कम से कम होना भी चाहिए. मतलब कोई ये कहे कि नहीं सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, नहीं बेटा, इतने बड़े एग्जाम को ब्रेक करने के लिए इतने घंटे पढ़ना बनता भी है. 10-12 घंटे ऐसे ही निकल भी जाते हैं, क्योंकि आपको चीजें पढ़नी भी है, रिविजन भी करना है, नोट्स भी बनाने, बहुत कुछ. ठीक है, और अभी एग्जाम हमारा पास में, तब की हम बात करें. ठीक, अगर ये बात हम 4-6 महीने पहले कर रहे होते तो हो सकता है कि हम कह देते नहीं बेटा 5-6 घंटे पढ़ा करो, बहुत है. करो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, बताओ क्या आंसर होगा, करो जल्दी से. इट वुड बी पॉसिबल टू एड्यूस मैनी एग्जाम्पल्स शोइंग दैट कुड बी वॉट कुड बी डन विद द अनलिमिटेड मीन्स एट आवर एंसेस्टर डिस्पोजल इन द वे ऑफ मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल. ठीक, वॉट हैव कंफर्ट एंड क्लीनलीनेस टू डू विद पॉलिटिक्स, मोरल्स एंड रिलीजन. ठीक है, बट लुक मोर क्लोजली एंड यू विल डिस्कवर that there exists the closest connection between the recent growth of comfort and the recent history of ideas. They saw that if they lived in the filth of discomfort, if it was because filth and discomfort fitted in with their principles, political, moral and religious. At a first glance, one would say that there could be no casual connection between armchairs and democracies, sofas and the family system, but baths हॉट बाथ्स एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी. ठीक है, तो क्या आंसर होगा लास्ट में? आई होप इन दिस एसे टू मेक दैट कनेक्शन मैनिफेस्ट. क्या आंसर होगा बच्चों, जल्दी से बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा? करो बेटा क्वेश्चन, करो बच्चों आंसर. आंसर्स आने लगे, आपने स्किप कर दिया. अनिश पहले बेटा क्यों स्किप कर रहे हो, मेहनत करो, कुछ तो मिलेगा बेटा. ठीक है, कहीं ना कहीं तो बेटा आपको लिंक कुछ ना कुछ दिखाई देगा. ठीक है, देखो पहली बात तो यह है, इट वुड बी पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा टू एड्यूस करना, ऐड करना मैनी एग्जांपल्स. मैं बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूँ,
शो करते हो व्हाट कुड बी डन, क्या किया गया था विद द अनलिमिटेड मींस, जो हमारी लिमिटेड मींस थे एट एंसेस्टर्स के डिस्पोजेबल खत्म करने के लिए इन द वे ऑफ मेकिंग लाइफ कंफर्ट, कि जो लाइफ को कंफर्ट में आते थे उसको खत्म करने के लिए क्या क्या चीजें थी। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, ठीक है। अपनी कहता है व्हाट हैव कंफर्ट एंड क्लीनलीनेस टू डू विद पॉलिटिक्स मोरल एंड रिलीजियस। बेटा ये आपका क्वेश्चन बन गया, सीधी सी बात है क्वेश्चन बन गया, लेकिन ये क्वेश्चन इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई देखो इसके लिए तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, आर कहता है बच्चे, आर कहता है आपका दे सो दैट इफ दे लिव्ड इन द फिल्थ। बेटा एक तो बात ये है, बहुत सारे अब दे सो कौन शो करते हैं, बेटा हमारे एंसेस्टर्स कहां लिखे, ये नहीं, हमारे जो एंसेस्टर्स है प्लूरल इसके लिए आया, ठीक है। यहां से शुरू कर सकते हैं कि दे सो दैट इफ दे लिव्ड इन द फिल्थ एंड डिस्कम्फर्ट, इट वॉज बिकॉज फिल्थ एंड डिस्कम्फर्ट फिटेड इन विद देयर प्रिंसिपल्स, उनके प्रिंसिपल्स में, उनकी पॉलिटिक्स में, मोरल एंड रिलीजियस सब जगह था, ठीक है। पी इसी को सपोर्ट करता है व्हाट हैव कंफर्ट एंड क्लीनलीनेस टू डू विद पॉलिटिक्स मोरल्स एंड रिलीजियस। तो व्हाट हैव कंफर्ट एंड क्लीनलीनेस टू डू विद पॉलिटिक्स मोरल्स एंड रिलीजियस, भाई आप डर्ट की बात करो तो क्लीनलीनेस का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर आप कहते हो इसमें एट द फर्स्ट ग्लांस वन वुड से दैट देयर कुड बी नो कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द आर्मचेयर्स, इन सबके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। क्यू में देखो एक बात लिखी गई है क्या बेटा, बट लुक मोर क्लोजली टू यू विल डिस्कवर दैट देयर एग्जिस्ट द क्लोजेस्ट कनेक्शन। तो बेटा अगर तुम देखते हैं ना तो बहुत क्लोजेस्ट कनेक्शन है किसके बीच में, ग्रोथ के बीच में, कंफर्ट के बीच में और रिसेंट हिस्ट्री के बीच में। तो आपको एक बात समझ आनी चाहिए, एस और क्यू, एस और क्यू में एक ही बात लिखी गई है। तो ये कहां है बेटा, एस क्यू यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। करेक्ट आंसर बी होगा, बहुत बढ़िया, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आपने आंसर निकाला है। आपने कैसे निकाला बेटा, देखो इसमें जो बात की गई कंफर्ट्स की, इसी के लिए इसने कहा बट लुक मोर क्लोजली एंड यू विल डिस्कवर दैट देयर एग्जिस्ट द क्लोजेस्ट कनेक्शन बिटवीन द रिसेंट ग्रोथ ऑफ कंफर्ट एंड द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ आइडिया। और इसी के लिए आपने कहा है कि आई होप इन दिस एसे टू मेक दैट कनेक्शन मैनिफेस्ट, मतलब मैं इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं। तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा, वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया। तो विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन हमने क्वेश्चन बना रखा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। टू मोस्ट पीपल द टर्म टेक्नोलॉजी, बेटा ये वर्ड बताओ इसका मीनिंग क्या होता है, आज आपको पढ़ाया था इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको पढ़ाया मैंने। टू मोस्ट पीपल द टर्म टेक्नोलॉजी कंज्यूर्स अप इमेजेस ऑफ मिल्स और मशीन्स, ठीक है। द क्लासिकल सिंबल ऑफ टेक्नोलॉजी इज स्टिल द असेंबली लाइन क्रिएटेड बाई द हेनरी फोर्ड हाफ अ सेंचुरी अगो। द इन्वेंशन ऑफ द हॉर्स कॉलर इन द मिडिल एजेस लेड टू द चेंजेस इन द एग्रीकल्चरल मेथड्स एंड वॉज एज सच अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। मोर ओवर टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स टेक्निक्स एज वेल एज द मशीन्स दैट मे और मे नॉट बी नेसेसरी टू द अप्लाई देम। दिस सिंबल हाउ एवर हैज ऑलवेज बीन इनएडिक्वेट फॉर द टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज बीन मोर देन फैक्ट्रीज एंड मशीन, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा, आंसर दिया बेटा, ठीक है। ब्रिंक्स अप, बहुत बढ़िया सत्यजीत जो देते हैं बेटा, इसका मतलब होता है आप याद करो कुछ इमेज बना लेना, ठीक है, कुछ फैंटेसाइज कर लेना, कोई आंखों के सामने आपके एक चीज आ गई कि ऐसा कुछ हुआ होगा। बड़ा होता है तो पढ़ने में ही जोर आ जाता है और चक्कर में, इस चक्कर में गलत हो जाता है बेटा, एक चक्कर में गलत हो रहा है ना, इसमें मैं एक बात आपको बताऊंगा। देखो कुछ चीजें आप बहुत ध्यान से देखो, ये जो नाउन प्रोनाउन का संबंध है इसे आप ध्यान से देखो, ठीक है। अगर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बेटा वर्ड्स आपस में एक दूसरे की लाइन में हैं, तो कोशिश करो कि इन वर्ड्स का आपस में कनेक्शन बना दो, यानी कि ये वाला वर्ड यहां भी वर्ड है ऐसे लिखो, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें एक चीज हमें समझ आई आपको, जो आपने जो भी देखा बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात यहां समझ आने वाली बात है, वो क्या, वो सुन लो बेटा। देखो इसमें आपको एक बात समझ आनी चाहिए, द क्लासिकल सिंबल, बेटा द क्लासिकल सिंबल तो क्यों लगाया आर्टिकल द, क्योंकि आप कौन से सिंबल की बात करो, क्लासिकल की, आप पुराने सिंबल की बात करो, ठीक है। और आपने उसी के लिए क्या कहा है बेटा, देखो उसी के लिए आपने कहा दिस सिंबल, कौन सा सिंबल बेटा, ये वाला सिंबल। तो क्या आप ये नहीं कह सकते हो भाई, क्या आप ये नहीं कह सकते हो कि पी के बाद में एस आएगा, आप बताओ क्या आप ये नहीं कह सकते हो भाई। ये बात मैंने आपको समझाई थी, मैं किसी सेंटेंस में द बॉय लिख देता हूं, तो द बॉय का मतलब हो गया वो वाला लड़का जो इन लाइनों के पहले कहीं ना कहीं मेंशनड है। और ये तरीका होता है राइटिंग का, जैसे मैंने कहा आई नो राम, मैं राम को जानता हूं, तो या तो मैं कहूं ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, या मैं कहूं द बॉय इज अ डॉक्टर, कि वो लड़का एक डॉक्टर है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है बेटा बोलने का,
तो हमने कहा कि पी के बाद एस आएगा क्योंकि जो क्लासिकल सिंबल है उसी के लिए कहा दिस सिंबल हाउ एवर हैज ऑलवेज बीन इनएडिक्वेट। अब देखो इन्होंने इसमें लिखा है ना, तो उसी के लिए कहा कि हैज ऑलवेज बीन इनएडिक्वेट फॉर टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज बीन मोर देन फैक्ट्रीज एंड मशीन्स, बेटा उससे ज्यादा है। तो अब आप ये देखो पी एस कहाँ का है, ये आप देखो बेटा यहां देखे, अब पी के बाद एस होगा, ये पी के पहले एस है, ये आंसर हटा दो, ये बेटा पी के बाद एस है आंसर हो सकता है, ये बेटा पी के पहले एस है आंसर नहीं होगा, ये बेटा पी के पहले एस है आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा बी होगा। अब आप खूब मिलाओ आराम से और मुझे बताओ गलत हो रहा है सही। अब ये सोचो कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर आप इसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व करोगे ठीक है इसी स्पीड से, तो वहां बेनिफिट क्या होगा आपको वो मैं बता देता हूं भाई। हो सकता है जब हम वहां स्पीड को मेंटेन करें तो 10 में से 2 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाए, 8 सही हो जाए ठीक है। अगर हमें सीख लिए मतलब हमने ऐसे लॉजिक सीख लिया कि हमने ये समझ लिया कि इसके बाद ये होगा, वो मिला के आपने ऑप्शन ब्रेक कर दिया, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर बेटा कम से कम ये चांस तो है ना कि ऐसे ब्रेक कर दिया, छोड़ के आने से तो ज्यादा अच्छा है। और जो बात है वो भी लॉजिकल है कि लॉजिकल नहीं है ठीक। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा ये सोच के चलो अगर आपने इसमें 10 में से 8 क्वेश्चन भी सही कर दिए इस स्पीड से, इन चीजों को मिला मिला के कॉन्सेप्ट को मिला के, तो आपको तो बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। चलो आई वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ द पटना कॉलेज, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जैसा ये बहुत आसान है। आई वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ द पटना कॉलेज ठीक है। इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू द सिटी एंड इट्स इंप्रेशन ऑन माई माइंड वॉज इनडेलिबल, इनडेलिबल जिसे हटाया नहीं जा सकता है, मिटा नहीं सकते ठीक है। इन दैट कैपेसिटी आई वंस लेड अ ट्रिप टू कोलकाता, आई फेल्ट इट हैड लैंडेड इन द मिडस्ट ऑफ द ब्यूटिफुल ड्रीम वर्ल्ड ऑफ द फेरीलैंड, आई सॉ द रोड्स द ट्रैम्स द स्काईस्क्रीपर्स एंड द मैग्निफिसेंट शॉप्स एट द बेटा कोवरंगी लेन ठीक है, कोवरंगी लेन आप बस हिंदी का नाम है, कोवरन घी लेनी होगा ठीक है। चलो बताओ क्या आंसर होगा, करो बच्चे क्वेश्चन। हाँ तो बेटा मन नहीं थकाना है ना, मैंने क्या कहा है फिर समझो ना भाई, हमें 10 में से 8-9 क्वेश्चन यदि ऐसे सॉल्व कर लिए तो हमारा तो काम बन गया ना, आप क्यों परेशान हो, आप आराम से देखो। आई वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द फिलोसफिकल सोसाइटी ऑफ द पटना कॉलेज, और इसके बाद में इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू द सिटी एंड इट्स इंप्रेशन ऑन माई माइंड वॉज इनडेलिबल, इन दैट कैपेसिटी आई वंस लेड अ ट्रिप टू कोलकाता, आई फेल्ट आई हैड लैंडेड इन द मिडस्ट ऑफ ब्यूटिफुल ड्रीम्स, बेटा जब मुझे यहाँ मिला था तो सीधी सी बात है उसके बाद ही तो महसूस होगा और उसके बाद ही आपने देखा होगा, पहले आप लैंड करेंगे तब देखेंगे। तो भाई सीधा सीधा समझ आ रहा है कि क्यू होगा, क्यू के बाद आर होगा और एस होगा, कुछ समझ आए या नहीं समझ आए जल्दी बताओ। I saw the roads, ठीक है करो बच्चों आंसर, आप अपने हिसाब से निकालो क्या आंसर होगा, करो बेटा। आने लगा आंसर ठीक है, आ जाओ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल आंसर आने लगे। देखो बेटा सबसे पहली बात हमें क्या समझ आई, आई वॉज द सेक्रेटरी टू द फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ द पटना, सो इन दैट कैपेसिटी आई वंस लेड अ ट्रिप टू कोलकाता, इस वजह से बेटा मैं एक बार कलकत्ता गया मुझे एक ट्रिप मिला ठीक है। सीधी सी बात है और कोई आंसर क्यू से शुरू नहीं है, इसका मतलब यही आंसर है। अगर ऐसे में आपने कहा होता तो आई सॉ द रोड्स एंड द ट्रैम्स द स्काईस्क्रैपर्स एंड द मैग्निफिसेंट शॉप्स एट द एट दिस लेन, तो बेटा लेन का है मेंशन ही नहीं है, ऐसे शुरुआत नहीं होगी। बेटा पी से अगर आप बात करें तो आपने कहा इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू द सिटी, भाई यहाँ तो कहीं नहीं लिखा है ना कि मैं सेक्रेटरी था और मेरी पहली पहली वो थी मतलब कहते किसके लिए सिटी के लिए, तो टू द सिटी बेटा कौन सा शहर, जो शहर यहाँ लिखा गया है, तो हमें ये भी समझ आ रहा है कि क्यू के बाद ही पी होगा, तो बेटा क्यू के बाद पी यहाँ है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन बच्चों, बहुत बढ़िया आ गया समझ बेटा, बहुत अच्छे। फूड इन इंदौर, बेटा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही आप जो कह रहे हो वो सही है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 47, ये वाला बेटा क्वेश्चन करो, इसमें बताओ क्या आंसर होगा। Union Finance Ministry announced a series of concessions to the trade and industry last month. ठीक है? Manufacturers feel, ये छोड़ो, आगे देखते हैं, together, these will result in the loss of revenue of 100 crore to the exhibition. ठीक है? आपने कहा early these were attracting customers duty varying from 0 to the 100%. The chunk of the relief of the RS 60 crore has been has gone to the electronics industry.
रॉ मटेरियल एंड बेटा पीस पार्ट्स नाउ कैरी कस्टम ड्यूटी ऑफ 30% एंड 40% एड वैलोरम रेस्पेक्टिवली, मतलब ये सब चीज साथ में मानते हुए। लास्ट में कहा गया मैन्युफैक्चरर्स फील दैट द प्राइस ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स मे नॉट बी ब्रॉट डाउन, कम नहीं होने चाहिए बिकॉज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ 30% ड्यूटी वेयर देयर वाज नन अर्लियर, जो पहले कम नहीं थी। ठीक है, अब बताओ क्या आंसर होगा, करो बेटा क्वेश्चन। करो बच्चों ये क्वेश्चन भी बढ़िया है आने लगा बेटा, 47 का आंसर सी होगा। ठीक है चलो, इसमें एक लिंक बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, क्या आर यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस द सीरीज ऑफ कंसेशंस टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री लास्ट मंथ। ठीक है, आर टुगेदर दीज विल रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ रिवेन्यू ऑफ ₹100 करोड़ टू द एक्सिक्यूटिव। बेटा टुगेदर साथ में मिलकर दीज विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ रिवेन्यू। ठीक है, क्या बेटा साथ में मिलकर ये सब चीजें क्या, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस द सीरीज ऑफ कंसेशंस टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और टुगेदर ये सब मिलके आपस में क्या होता है ना, दिस विल रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ रिवेन्यू ऑफ दिस वन। बेटा इनकी वजह से इतना रिवेन्यू का लॉस हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ एक बात बहुत क्लियर है, रॉ मटेरियल्स के लिए क्या है अर्लियर दिस मंथ, तो एस के बाद क्या होगा बेटा, एस के बाद क्यू होगा। अब देखो एस के बाद क्यू यहाँ भी है, एस के बाद क्यू यहाँ है, एस के बाद बेटा एस के बाद क्यू यहाँ भी है और एस के पहले क्यों, तो अभी तक एक एलिमिनेशन 100% है, यह आंसर नहीं होगा। अब हमें शुरू करना है, अलग अलग तीन वर्ड दिए गए, आरपीएस किससे शुरुआत होगी या लास्ट कौन सा हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट कौन सा हो सकता है, सुनो बेटा लास्ट ये है कि जब आपने ये कहा है कि रॉ मटेरियल जो था इसमें 30% मेंशन्ड है, इसके बाद में बेटा आर के एस के बाद में आपका क्यू आएगा। अब जो क्यू है अगर मैं उसको लास्ट में रखूं, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं क्यू को लास्ट में रखता हूं तो हमने कहा अर्लियर दीज वर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स ड्यूटी वेरिंग फ्रॉम 0% to 100%, मैन्युफैक्चरर फील दैट प्राइस ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स मे नॉट बी ब्रॉट डाउन बिकॉज द इम्पोजिशन ऑफ 30% ड्यूटी वेयर देयर वाज नॉट अर्लियर। भाई वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ठीक है कैसा ना हो, जैसा यहां लिखा गया है। तो बेटा करेक्ट आंसर ये होगा कि क्यू इसका करेक्ट आंसर होगा लास्ट में, पी से शुरुआत होगी, बी विल बी द करेक्ट, ए नहीं होगा बी आंसर होगा बेटा। सी वाले तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा है पी पे एंड होगा बेटा, पी पे तो एंड हो ही नहीं सकता ना, टुगेदर दिस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ रिवेन्यू ऑफ दिस वन, नहीं बेटा ये तो ये सब मिलके तो इतना तो लॉस क्रिएट किया था ना, तो पी से तो शुरुआत होगी, यहाँ कौन कौन बेटा ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने मिलकर, ठीक है ये तो यहां से शुरुआत होगी। अब देखो इसमें ये कंफर्म्ड है कि एस के बाद क्यू होगा, तो बेटा जब एस के बाद क्यू होगा तो ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये किसके बारे में बात कर रहा है, एस वाले सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है, एस कहीं भी लास्ट में नहीं है, जहां एस लास्ट में उसमें सीक्वेंस गलत है, तो इससे अच्छा बेटर आंसर इसका लॉजिकल बन ही नहीं सकता है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इससे लॉजिकल आंसर बेटा इसका बन नहीं सकता है, हमें समझ आ रहा है कि इसका सबसे अच्छा आंसर एस लास्ट में हम लेके जाते हैं, ठीक है, लेकिन बेटा एस लास्ट में है ही नहीं ऑप्शन में, और जिसमें है उसमें एस के पहले क्यों, जबकि एस के बाद क्यों आएगा। ठीक चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट करो बच्चे, एट 4 o'clock दिस मॉर्निंग हिटलर अटैक्ड एंड इन्वेडेड रसिया, नो कंप्लेंट हैड बीन मेड बाय जर्मनी ऑफ इट्स नॉन फुलफिलमेंट, ऑल हिज यूजुअल फॉर्मेलिटीज ऑफ परफिडी वर ऑब्जर्व विद सर्कुलर टेक्निक्स। ठीक है, नो वन, देखो परफिडी आपको पढ़ा रखा है, आपको मीनिंग खुद पता होगा बेटा, सर्कुलर बिहेवियर आपको पता रखा है, टेक्निक्स बता रखी है, नो वन कुड हैव एक्सपेक्टेड दैट हिटलर विल वुड डू इट, A non-aggression treaty had been solemnly signed and was enforced between the two countries. अब बताओ क्या आंसर होगा, करो बेटा क्वेश्चन, बताएं क्या आंसर होगा, करके दिखाओ बेटा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है इतना काम तो कर दो बच्चों। डिसीव करना, ठीक है दिमाग घूम रहा है इसमें सर,
बेटा 10 क्वेश्चंस आते हैं, अब आप दिमाग घुमा लो या दिमाग को स्टेबल कर लो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, एक तो ये होता कि मैं ये कह देता भाई कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है, तो मैं कहता कि चलो भाई चांस की बात है, इस बार कम प्रैक्टिस करो, भगवान करे इस बार ना आए। लेकिन बेटा आपको मैं बताऊं, सीडीएस का पेपर जब से भी आप उठाओगे अब तो 10 आने लगे हैं, मैं आपको बता दूं अब तो 10 क्वेश्चन आने लगे हैं। बेटा 2017 में तो 20 क्वेश्चन आए थे, जो बच्चे 2017 का पेपर सॉल्व कर रहे थे उनको पता है कि उन्होंने ये कह दिया था सर इससे अलग कुछ आया इसमें या नहीं आया है, पूरा पेपर बेटा रीडिंग बेस्ड ही था। ओके, तो सेशन को लाइक और शेयर करो, फटाफट आंसर दो क्या होगा। बेटा इसमें एक बड़ी अच्छी चीज हमें मिली, वो क्या है, हाँ फेथलेस, बेटा धोखा होता है, डिसलॉयल्टी होती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें हम एक बात समझ पा रहे हैं, एट 4 o'clock दिस मॉर्निंग हिटलर अटैक्ड एंड इन्वेडेड रसिया, ठीक है, यहां कहता है नो कंप्लेंट हैड बीन मेड बाय जर्मनी ऑफ इट्स नॉन फुलफिलमेंट। बेटा कोई मतलब नहीं बनता इस क्वेश्चन के शुरुआत होने का, क्योंकि इन दोनों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं बता। ऑल हिज अनयूजुअल फॉर्मेलिटीज ऑफ परफिडी वर ऑब्जर्व विद साइप्रस टेक्निक, बेटा कहां कुछ लिखा क्यू के बारे में कुछ नहीं बताता, ठीक है, तो ये दोनों तो बच्चे हटा दो, ये तो मतलब ही नहीं बनता है, कोई लॉजिक नहीं है। आंसर बहुत सही है, नो वन कुड हैव एक्सपेक्टेड दैट हिटलर वुड डू इट, बेटा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि हिटलर ऐसा करेगा, बिल्कुल सही बात है। इसके बारे में आर बताता है, अब आर में बेटा दो सेंटेंस है, अब देखो आर के बाद क्यू का क्या कहता है बच्चे, नो वन कुड हैव एक्सपेक्टेड दैट हिटलर वुड डू इट, ऑल हिज यूजुअल फॉर्मेलिटीज, उसकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी किसके बेटा परफिडी की, वर ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व की हुई विद सर्कुलर टेक्निक्स के, बेटा इसने धोखा दिया है और सब कुछ दुष्ट तरीके से उसने काम किया है। एस कहता है अ नॉन एग्रेशन ट्रीटी हैड बीन सॉलेमनली साइंड एंड वाज इनफोर्स बिटवीन द टू कंट्रीज, इनके बीच तो बेटा ये साइन हुआ था ना, किसका, नॉन एग्रेशन के, कोई चढ़ाई नहीं करेगा, ट्रीटी साइन हुई थी। पी कहता है बेटा नो कंप्लेंट हैड बीन मेड बाय जर्मनी ऑफ इट्स नॉन फुलफिलमेंट, कोई कंप्लेंट जर्मनी की तरफ से नहीं हुई कि ऐसा नहीं हुआ है, अंडर इट्स क्लॉक ऑफ फॉल्स कॉन्फिडेंस, बेटा झूठे कॉन्फिडेंस के नीचे The German armies drew it up in immense strength along a line which stretches from the White Sea to the Black Sea. इसका मतलब जर्मनी के बारे में ये लास्ट वाला है, तो P के बाद में 6 होगा, करेक्ट आंसर A होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाबूजी की सिमरन भी क्लास में है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। तो 51 को S1 पढ़ूं, ओके चलो बेटा आज नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, आ जाओ बच्चे, बहुत बढ़िया भाई, हम भी तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा भाई कोई चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ठीक है, सर घूम रहा है सच में, ओके भाई सर घूम रहा है या आपका हेड घूम रहा है, ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि मतलब सर का मतलब मैं घूम रहा हूं या आपका सिर घूम रहा है, ठीक है, थोड़ा सही कर दो बेटा, आपका हेड घूम रहा है सर घूम रहा है, आ जाए। रॉड्रिक अशर हैज ऑलवेज बीन अ क्वाइट पर्सन हु टॉक्ड लिटिल ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, Many of his ancestors had been famous for their artistic and musical abilities. Others were known for their exceptional generosity and charity. Yet I did know that his family was an old one, so I did not know too much about him. ठीक है, अब बताओ क्या आंसर है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई भी मिला सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ी सोचने की बात है ना भाई, इन्होंने कहा है मेरा सही है, अरे बहुत बढ़िया, बाबू जी के सिमरन का सही है भाई, मैंने कहा कि इन्होंने कहा है सर घूम रहा है एस आई आर, तो हमें कैसे पता चलेगा बेटा क्या घूम रहा है, इन्होंने लिखा है एस आई आर सर घूम रहा है, ठीक है, तो ये बड़ी सोचने की बात पड़ जाती है ना। बेटा कल क्लास होगी सुबह 8 बजे 8 AM, रिवीजन टेस्ट होगा बेटा कल, जो भी पूरे वीक में पढ़ाया उसका रिवीजन कल करवा देंगे, ठीक है, जो भी पूरे वीक में पढ़ा है सबका रिवीजन करवा देंगे। सेशन को लाइक और शेयर कर दो, क्या करके मानोगे बेटा, ऐसे ही नहीं पढ़ोगे बढ़िया से, अच्छा मुझसे ना हो पाएगा तो मिहिर बेटा फिर एग्जाम कैसे निकालोगे बेटा, आप ये बताओ, आप जो CAPF की बात करो बेटा वो तो पूरा रीडिंग के पे बेस्ड है ना, वो तो सारा पेपर ही बेटा पढ़ने पर बेस्ड है, तो कैसे काम चलेगा आपका बताओ। देखो बच्चों अगर हम बात करें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा आप उसका मुझे आंसर दे देना, ठीक है, मैंने कहा मेरे जो दूसरे मित्र हैं, मेरे जो दूसरे मित्र हैं वो घूमने जाते हैं, ठीक है, मेरे जो दूसरे मित्र हैं वो घूमने जाते हैं, तो आपने कहा सर फिर आपके पहले जो मित्र हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल सही है बच्चा, आप समझ पा रहे हो, आपने कहा मेरा दूसरा फ्रेंड बाजार गया है, तो मैंने पूछा भाई आपका पहला फ्रेंड क्या कर रहा है, क्योंकि दूसरा तो तभी होगा जब पहला मेंशन हो जाए, सीधे दूसरा थोड़ी आ सकता है, ठीक है,
समझ गए। तो भाई क्या समझ आया कि मेरे दूसरे मित्र बाजार गए हैं तो आपके पहले मित्र कहां है, ये समझाना था। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है कि उसके बेटा अदर्स वर नोन एज, दूसरे ऐसे जाने चाहते थे तो उसके पहले वाले पी में है, तो पी के बाद क्या होगा, क्यू होगा, ये बात हमें समझ आ गई। देखो बेटा पी क्यू यहां है, दिखाई दे रहा है बेटा, ये आंसर नहीं हो सकता है बेटा, पी क्यू यहां ये आंसर हो सकता है, पी क्यू है ये आंसर हो सकता है। ज्यादा क्लोज आंसर बेटा डी और ए होगा, क्यों, क्योंकि उन दोनों में पी क्यू एक साथ रखा गया है, ठीक है। तो अगर आप पी से शुरू करते हैं तो रॉड्रिक अशर हैज ऑलवेज बीन अ क्वाइट पर्सन हु टॉक्ड लिटिल ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। मैनी ऑफ हिज एंसेस्टर्स हैड बीन फेमस फॉर देयर आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल एबिलिटी, ये समझ आ गया। सो आई डिड नॉट नो टू मच अबाउट हिम। अब बात ये आती है, हम जिस आदमी के बारे में बात करें पहले उसको एक्सप्लेन करें, फिर उसके परिवार को एक्सप्लेन करें। तो एस से शुरू होगा, आई डिड नॉट नो मच टू मच अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है। येट आई डिड नो दैट हिज फैमिली वॉज एन ओल्ड वन, पर मुझे पता है उसका परिवार बहुत पुराना परिवार है, और फैमिली को एक्सप्लेन कर गया प्योर क्यू में। तो एस के बाद आर आएगा, पी के बाद क्यू होगा, एस के बाद आर, पी के बाद क्यू, डी में मेंशन है, इट विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बेटा समझ, सर ए सही है जय माता दी की, तो बेटा ए गलत है जय माता की, क्यों बच्चों, बिल्कुल सही है, ए सही है जय माता की, बेटा ए गलत है जय माता की, डी सही है बेटा जय माता की, कर लो। अब आपको समझ आ गया होगा क्यों, बेटा जिस परिवार की आप बात कर रहे हो वो परिवार तो उन्होंने यहां मेंशन किया है ना आर में, तो आर के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन आप दोगे, ठीक है। हम जोड़ते कैसे हैं, पहले आप मेरे बारे में बताओगे तब मेरे परिवार के बारे में बताओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चे सच बताओ ऑनेस्टली कि क्या आपको नहीं लगता है कि मेहनत आपको बेटा जो अभी कर रहे हो ये आपके एग्जाम में नंबर दिलवाएगी। ये वो सेक्शन है बेटा जिनके चार पांच क्वेश्चन करा के आपसे कह दिया जाता है कि बस ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कुछ होता तो है नहीं, सब पढ़ने पर डिपेंड करता है। यहां बेटा हम एक एक क्वेश्चन को उखाड़ के फेंक रहे हैं, इस सीरीज का नाम पोस्टमार्टम सीरीज ऐसे थोड़ी रख दिया है, आगे ना समझ। और बेटा विसरा भी प्रिजर्व कर लेंगे बाद के लिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो आके पूछ सकते हैं, सर और क्या हुआ था, ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं नेक्स्ट वन, आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताओ, लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये इसका, और फिर उसके बाद ग्रामर सेक्शन शुरू हो जाएगा, जल्दी करो भाई, अभी तो मुझे 9 बजे वाला सेशन भी बनाना है, और आज 9 बजे वाले सेशन में पैरा जंबल्ड ही होगा। माधुरी देखो क्लास में नहीं है, माधुरी है मतलब लगातार भाई साहब मैसेज करने शुरू कर दिए, हर क्लास में एक बात लिखनी शुरू कर दी, सर मुझसे पैरा जंबल्ड सॉल्व नहीं होते, मुझे पैरा जंबल्ड सिखा दो, और बेटा पैरा जंबल्ड कराओ तो बच्चे क्लास में नहीं आते हैं, इसलिए लगता है बच्चों की बात हम क्यों मान लेते हैं। करो बेटा आंसर, लास्ट क्वेश्चन है, हमने कहा मास प्रोडक्शन हैज इंक्रीज द टेंडेंसी टू व्यू थिंग्स एज यूजफुल रादर देन डिलाइटेड, मतलब कि जो मास प्रोडक्शन है ना उसने इंक्रीज कर दिया एक टेंडेंसी को टू व्यू थिंग्स एज यूजफुल, कि वो यूजफुल है रादर देन डिलाइटफुल, है ना। आपने लिखा दीज वेरियस थिंग्स शेयर नथिंग विद द बटन्स एक्सेप्ट मनी वैल्यू। अब देखो जैसे यहां द बटन्स लिखा गया तो कौन से बटन्स बेटा कहीं मेंशन हुए होंगे, आ जाओ। ऑल द रेस्ट यू विश टू एक्सचेंज फॉर फूड बेटा शेल्टर एंड मैनी अदर थिंग्स, सपोज यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बटन्स, आ गया समझ बेटा। देखो ये बटन्स की बात कर रहा है, ध्यान से देखो, हाउ एवर एक्सीलेंट योर बटन्स मे बी यू डू नॉट वॉन्ट मोर देन अ फ्यू फॉर योर ओन यूज, एंड इट इज नॉट इवन द मनी वैल्यू ऑफ द बेटा किसके बटन इट इज इंपोर्टेंट टू यू, ठीक है। देखो ये देखना बेटा, मनी वैल्यू यहां भी लिखा गया है, और देखो मनी वैल्यू यहां भी लिखा गया है, बस कनेक्शंस मिला दो, क्या आंसर होगा, कर दो बेटा 50 का आंसर भाई, कनेक्शंस मिला दो और 50 का आंसर कर दो भाई, करो जल्दी से कनेक्शंस मिलाओ और आंसर करो। अब तो कनेक्शंस मिला दिए, अब भी कुछ रह गया, तो बेटा ऐसे लिख लें आर के बाद पी होगा, मान लें इस बात को, क्यों, क्योंकि हमने क्या लिखा है वहां पे द बटन्स, तो आर के बाद पी कहां कहां है, देखो ये आर के पहले पी है, सही बेटा आर के पहले पी है, आर के बाद पी है, ठीक है, आर के पहले पी है, आर के बाद पी है, क्या बात है बेटा, ये खत्म ये खत्म, 50-50 हो गया भाई, केबीसी ऐसे तो खेला जाता है, 50-50 हो गया। अब मिला लो बेटा, क्यों से शुरू करके देख लो, आपने कहा मास प्रोडक्शन हैज इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ द व्यू थिंग्स एज यूजफुल रादर देन डिलाइटेड,
और क्यू क्या कहता है बेटा, क्यू कौन सा, क्यू क्यू कहता है ऑल द रेस्ट यू विश, बेटा कौन सा रेस्ट, तो इसका मतलब बचा क्या आर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चों आया लॉजिकल समझ, देखो जो 50 का डी कह रहे हैं ना उनका सीधा सीधा हिसाब है बेटा, तुक्का लगाने में वो भी एक्सपर्ट है। अरे बेटा एक बात बताओ, जब यहां लिखा गया है क्या कि दीज वेरियस थिंग्स शेयर नथिंग विद द बटन्स, बेटा द बटन्स मतलब कौन से बटन्स, मैंने आपको आज ही तो सिखाया था द बॉय का मतलब कौन सा लड़का, बार बार बता चुका हूं। तो द बटन्स का मतलब वो बटन जो कहीं मैंशनड है, कहां मैंशनड है ये बटन्स, बटन्स मैंशनड आर में, तो आर के बाद आपका पी होगा, ये हमें समझ आना चाहिए कि आर के पहले पी आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो डी तो आंसर होगा ही नहीं, डी तो आंसर होगा ही नहीं बेटा, इतना बड़ा तुक्का लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। लॉजिक सीखो बेटा, लॉजिक सीखो, कॉन्सेप्चुअल सिखा रहे हैं पैराजंबर्ड, इससे अच्छा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है, ध्यान से देखो। बना क्वेश्चन तो एक बार सब लोग बेटा थम्स अप कर दो, समझ आया, आगे शुरू करते हैं आज तो बेटा पैराजंबर्ड में ही। अब मैं सीरियस होके पढ़ता हूं, अगले जन्म में काम आएगा, बहुत बढ़िया, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है बेटा आज आपका पैसेज, आज तो आप लोग मतलब भाग जाओगे बेटा क्लास छोड़ के, मैं समझ रहा हूँ। सेशन को शेयर लाइक करना तो दूर, आप ये कहोगे सर हमारे बस की नहीं है, हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि ये वो सेक्शन है बेटा हमारे पेपर का जिस सेक्शन की हम कभी भी तैयारी नहीं करते अच्छे से, और हम इस सेक्शन को सीधे पेपर में जाके सॉल्व करते हैं, और 40 में से हम चाहते हैं कि हमारे 40 ही सही हो जाएं। तो बच्चे मैं यही बता रहा हूं, इस सेक्शन को पढ़ाते हुए हम इसीलिए घबराते हैं क्योंकि बच्चे हिम्मत ही नहीं कर पाते इसको पढ़ने की, ठीक है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं, समझ गए। तो आज आप बेटा रोज आओगे, मैं पक्का बता रहा हूं, जब तक क्लास खत्म होगी पढ़ते हैं बेटा एक बार पैसेज, मैं भी पढ़ता हूं आपके लिए, चलो शुरू करते हैं। ओवर पॉपुलेशन इज द मोस्ट प्रेसिंग ऑफ इंडियाज न्यूमरस एंड मल्टी फेसेड प्रॉब्लम, इनफैक्ट इट हैज कॉज्ड इक्वली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सच एज पॉवर्टी, अंडर नरिशमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। Indisputably, this country has been facing a population explosion of crisis dimensions. It has largely diluted the fruit of remarkable economic progress that the nation has made during the last four decades or so. The entire battle against poverty is thwarted by the rapid increase in the population. The tragedy is that while overpopulation accentuates poverty, the country's stark poverty itself is in many areas a major cause of overpopulation. Okay, now what will be the correct answer? Let's see. Karo beta answer. क्या करवा के मानोगे बेटा, समझ रहे हो ना, अपनी पूरी जान लगा के मानेंगे कि आपसे बेटा पेपर निकलवा दे, ठीक है, आगे आंसर। चलो शुरू करते हैं, what is the irony behind the overpopulation of India? बेटा क्या आयरनी है ओवर पॉपुलेशन के पीछे इंडिया की? ओवर पॉपुलेशन गिव्स बर्थ टू पॉवर्टी विच पॉवर्टी इटसेल्फ इज द कॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अंडर नरिशमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर द आउटकम्स ऑफ फ्लॉड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड इज लीडिंग टू द मोस्ट पॉपुलेशन एंड फ्रूट्स ऑफ द रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस आर ट्रिकिंग डाउन टू द पुअर। ओके, जब इस पूरे पैसेज को आप देख पा रहे होंगे तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया, व्हाट इज द आयरनी बिहाइंड द ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ओवर पॉपुलेशन गिव्स बर्थ टू पॉवर्टी एंड पॉवर्टी इटसेल्फ इज द कॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। मतलब बेटा ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या आती है? पॉवर्टी आती है, और पॉवर्टी की वजह से क्या आती है बेटा? ओवर पॉपुलेशन। ये आयरनी है कि आप एक से दूसरे को खुद ही जनरेट कर लेते हो। ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। What is the general tone of the passage? आपके हिसाब से पैसेज की टोन कैसी है? फनी या ह्यूमरस है, सोम्बर है, ट्रेजिक है या डाइडेक्टिक है? जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर हो। करो बेटा आंसर, ठीक है। करो बेटा आंसर, आ 52 का आंसर आने लगा बेटा, आ सी आंसर है बेटा, कट कर दो। ये होता है एजुकेटेड, रिलेटेड टू द बेटा फैक्ट्स, एजुकेशनल, ठीक है। ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, बस कर दिया बेटा गलत। पूरे इसमें लिखा गया बेटा, अभी अभी आप बता रहे थे आयरनी क्या है।
आयरनी होता है, बहुत बड़ा दुख है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी आती है और पॉवर्टी की वजह से ओवर पॉपुलेशन आती है, ठीक है। तो बेटा फनी ह्यूमरस नहीं होगा, ट्रेजिक नहीं होगा, सॉम्बर होगा बेटा। सॉम्बर होता है सैड कर देने वाला, सॉम्बर होगा। आयरनी अभी अभी आपने आंसर दिया है, सॉम्बर विल बी द करेक्ट आंसर। कर दिया बेटा क्वेश्चन गलत, फिर कहते हो कि पेपर में नंबर नहीं आते। अरे भाई खुद ही नहीं लाते हो, कहां एजुकेटेड पैसेज लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है, व्हाट इन द ऑथर्स व्यू सीवियरली अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। सबसे ज्यादा हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कौन अफेक्ट करता है? पॉवर्टी, इलिटरेसी, ओवर पॉपुलेशन, नन ऑफ द अबव। करो बेटा आंसर, क्या आंसर होगा? बहुत अच्छे बेटा, ये ऐसे देखो, ये क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें भी आप फंसोगे थोड़ा सा, ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा, ध्यान से नहीं देखोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सही आंसर देना बेटा सोच समझ के। चलो बहुत अच्छे, आप बच गए, मुझे अच्छा लगा। व्हाट इज द ऑथर्स व्यू सीवियरली अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। पहली लाइन में कहा गया ओवर पॉपुलेशन इज द मोस्ट प्रेसिंग ऑफ इंडियाज न्यूमरस एंड मल्टी फेसिट प्रॉब्लम। बेटा सारियों में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? That is overpopulation. ये आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कुछ बच्चे इसमें जल्दबाजी में पॉवर्टी मार्क कर सकते हैं, नहीं, यहाँ मेन एक्सेल पॉइंट देखो 53 का आ गया ना आंसर, आपने कर दिया ए, बेटा ए नहीं होगा, सी होगा। इसी की वजह से पॉवर्टी है, वो बाद में उसने आयरनी लिखी है कि पॉवर्टी की वजह से भी ओवर पॉपुलेशन है, लेकिन पहले पैसेज की शुरुआत ओवर पॉपुलेशन से हुआ है और इसी को मोस्ट प्रेसिंग ऑफ द इंडियाज न्यूमरस एंड मल्टीफेसिट प्रॉब्लम में से रखा गया। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड ओवर पॉपुलेशन। बेटा ओवर पॉपुलेशन के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? अंडर नरिशमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड या पॉवर्टी। बताओ क्या आंसर होगा? करो बेटा, ये क्वेश्चन आसान है। आज तो बेटा दिमाग आपका इस क्लास के बाद फटने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि रीडिंग एबिलिटी में ही आप सबसे ज्यादा परेशान होते हो। अच्छा सच सच बताओ, कितने बच्चों को सच में रीडिंग एबिलिटी से ही बेटा दिक्कत होती है? एक बार यस लिख दो जिनको लगता है कि हाँ सर हमें यही दिक्कत है। मैं कम से कम देखूं तो सही कि आप में से कितने बच्चे हैं जो रीडिंग एबिलिटी को लेकर परेशान है। भाई ग्रामर में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको आता है, उसके बाद आपको वोकैब में मजा आता है, लेकिन यहां कितने बच्चे वो बताना। बिल्कुल सही, पॉवर्टी इज द करेक्ट आंसर बेटा, और कुछ होगा ही नहीं, डी विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर दें। इट हैज लार्जली डाइल्यूटेड द फ्रूट। बेटा मैं आपको वर्ड दिखा देता हूं, यहां लिखा गया डाइल्यूटेड, ये लिखा गया इट हैज लार्जली डाइल्यूटेड द फ्रूट ऑफ द रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। फाइंड एंटोनिम, यानी कि अपोजिट बताओ इस वर्ड का, क्या आंसर होगा? यस यस यस, दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया ज्योति, बहुत अच्छे। नो नहीं दिक्कत है, बहुत बढ़िया, यस। तो मुझे ऐसा लग रहा है बेटा यस वाले ज्यादा हैं, नहीं वाले कम हैं। ये नो वाले ज्यादा तो वो हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। मैं आपको बता दूं इंग्लिश मीडियम में बेटा सब कुछ तो आप इंग्लिश में ही रीड करते हैं, तो आपकी रीडिंग एबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी रह जाती है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, यस वाले इसीलिए ज्यादा है, मैं आपको बता रहा हूं ना, इंग्लिश मीडियम वालों को तो बेटा सीधी सी बात है कि अगर अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक। हाँ आने लगे बेटा आंसर, देखो हमने कहा इट हैज लार्जली डाइल्यूटेड द फ्रूट ऑफ रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये डाइल्यूट कर देता है, खत्म कर देता है, वैसे भी डाइल्यूट होता है ना, पानी में मिल जाना, मिक्स हो जाना, वो सब होता है, तो ये डाइल्यूट कर देता है। अब क्वेश्चन आता है डाइल्यूटेड का अपोजिट क्या होगा? बेटा कोलेसेंट होता है, चीजों को एक साथ रख देना, है ना, चीप एंड आंसर होगा नहीं, सस्ता। अब ये दो बचते हैं बेटा, कंपाउंड कर देना, रोक देना, और कंसोलिडेट कर देना बेटा, ये आंसर होगा। कंसोलिडेट करना चीजों को सॉलिड बता देना, एक साथ रखना, द करेक्ट आंसर विल बी बच्चों डी विल बी द करेक्ट आंसर, कंसोलिडेट। सब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस थक जाने की है, और ऊपर से सबसे लास्ट में इनको सॉल्व करना पड़े, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल सही बात है बेटा, बी नहीं होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आज सही पकड़े हैं सर, आ जाए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बताते हैं। नहीं मैं सही कह रहा हूं भाई, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा होता है, दैट्स व्हाई उन्हें थोड़ी कम प्रॉब्लम रहती है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को तो बेटा सबसे शुरू में मैं आपको बता रहा हूं, जिसने पहली बार रीडिंग एबिलिटी शुरू किया होगा, पैरा जंबल शुरू किया होगा, उन्हें तो ऐसा लगता है कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। आ जाओ
ये एक पैसेज है। दूसरा शुरू करते हैं, टू ईट एंड नॉट टू बी ईटन, दैट इज द इंपेरेटिव ऑफ अ कैटरपिलर एग्जिस्टेंस। खाना और खाया ना जाना, समझो कितना चतुर होता है कैटरपिलर एग्जिस्टेंस। द लीफ रोलर, जो लीफ रोलर है ना, रिड्यूसेस इट्स रिस्क ऑफ बीइंग पिक्ड ऑफ बाय प्रीडेटर्स, बेटा शिकारी होते हैं, बाय सिल्किंग टुगेदर अ टेंपरेरी शेल्टर इन विच टू फीड एंड रेस्ट, बेटा जहाँ खाता भी है और रेस्ट भी करता है। अडॉप्टिंग अ डिफरेंट लाइन ऑफ डिफेंस, द जेली स्लग एक्सक्लूड्स अ स्टिकी ट्रांसल्यूसेंट कोटिंग दैट मे फॉल द माउथ पार्ट ऑफ द मैरोडिंग आंट्स, बेटा मैरोडिंग आंट्स कौन सी होती है, जो मतलब समझो शिकारी है। फॉर इट्स पार्ट द एक्वेटिक लार्वा बाई इट्स वॉटरी एलिमेंट फैशन अ पोर्टेबल हाइड आउट फ्रॉम फ्रेगमेंट्स ऑफ एक्वेटिक लार्वा लीव्स, बेटा सॉरी, कटिंग अ सर्पेंटाइन ट्रेल एज इट फीड्स ऑन टेंडर यंग लीव्स, दिस माइन्यूट जो सिट्रस लीव है माइनर स्पेंड्स इट्स एंटायर लार्वा लाइफ और इनसाइड इट्स होस्ट प्लांट, दस कीपिंग इट्स एपिटाइजिंग बॉडी सेफली अंडर रैप्स। क्या है, समझ आ गया होगा पैसेज, लार्वा कैटरपिलर की स्टोरी है, ठीक है। हिंदी बोलने पे मार पड़ती थी, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, ठीक है। बाबूजी की सिमरन, बेटा शहीद ही क्यों होना है, मैं सोचता हूं कि आप लोगों को शहीद करने जाओ तो ज्यादा अच्छा है। भाई हम ये क्यों सोचते हैं कि हमें शहीद होना है, हम ये कहें सर हम आर्मी में इसलिए जाएंगे कि 100-200 को तो शहीद कर ही देंगे, ठीक है। तो ये सोच के बात करो बेटा, ये क्यों कहते हो आपके मुझे शहीद होना है, थोड़ा लाइफ को बेटा बदल के देखो, सही आएगा। विच वेराइटीज ऑफ कैटरपिलर्स बिल्ड्स शेल्टर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, लीफ रोलर एंड एक्वेटिक लार्वा, जल्दी से बताओ बेटा कौन सा, या लीफ रोलर एंड जेली स्लग एंड एक्वेटिक लार्वा, जेली स्लग एंड सिट्रस लीफ माइनर, ठीक है। अगर क्वेश्चन सही हो तो बताओ क्या आंसर होगा। अच्छा 56 का सी होगा, बेटा आप सब तुक्का लगाते हैं। डिफरेंट लाइन ऑफ डिफेंस, द जेली स्लग एक्सट्रूड्स अ स्टिकी ट्रांसल्यूशेंट, बेटा ये जेली स्लग होता है ना एक्सट्रूड कर देता है एक क्या बेटा स्टिकी ट्रांसल्यूशेंट को, कोटिंग को। तो उन्होंने कहा विच वैरायटी ऑफ कैटरपिलर बिल्ड शेल्टर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, दो, एक तो लीफ रोलर, ये आला आ गया समझ, बीइंग पिक्ड ऑफ द प्रेडेटर स्टिंग टुगेदर अ टेंपरेरी शेल्टर इन विच टू फीड एंड रेस्ट, ठीक है। अडॉप्टिंग अ डिफरेंट लाइन ऑफ डिफेंस, क्या है, द जेली स्लग एक्सट्रूड एंड एक्वेटिक लार्वा, बेटा ये दोनों थे, ठीक है, लीफ रोलर है और एक्वेटिक लार्वा है, ये दोनों बेटा आंसर होगा, ए आंसर होगा 56 का, बात समझ गए बेटा, सी नहीं होगा, गलत मार्क कर दिया आपने, जेली स्लग एंड ये एक्वेटिक लार्वा होगा। द जेली स्लग एक्सट्रूड्स बेटा निकलती है, क्या होती है, एक्सट्रूड करता है स्टिक की ट्रांसल्यूशेंट कोटिंग को। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताएं बेटा क्या आंसर होगा, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग कैटरपिलर्स प्रोड्यूसेस अ स्टिकी कवरिंग, बेटा ऐसा कौन सा कैटरपिलर है जो स्टिकिंग कवरिंग छोड़ देता है, लीफ रोलर छोड़ता है, जेली स्लग छोड़ता है, या फिर बेटा एक्वेटिक लार्वा छोड़ता है, सिट्रस लीफ लाइनर छोड़ता है, बताओ क्या आंसर होगा, करो। क्या आंसर होगा, बी, बिल्कुल सही बात है बेटा, जाली स्लग, सीधे सीधे आंसर लिखा है, बहुत बढ़िया, जाली स्लग बेटा। कैटरपिलर प्रोड्यूसेस स्टिकी कवरिंग, ये रहा ना जाली स्लग, ये छोड़ता है क्या बेटा, स्टिकिंग ट्रांसल्यूशन कोटिंग छोड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट बताओ बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन द पैसेज डिस्क्राइब एनिमीज ऑफ द कैटरपिलर, बेटा एनिमीज ऑफ द कैटरपिलर को किन किन नामों से बुलाया गया है, सर्पेंटाइन एंड होस्ट होते हैं, प्रीडेटर एंड मैरोडिंग होते हैं, सर्पेंटाइन एंड मैरोडिंग है, या फिर बेटा प्रीडेटर एंड होस्ट है, मतलब कैटरपिलर के जो वो हैं शत्रु उन्हें किस किस नाम से बुलाया गया है। मुझे ऐसा लगता है बाबूजी के सिमरन की सबके खून के मतलब कतरे कतरे में हिंदुस्तान बसा है, ठीक है, बाकी बाहर से तो कोई आया नहीं है, और इस क्लास में जितने पढ़ रहे हैं बेटा वो तो सारे हिंदुस्तान के ही हैं, ठीक है, इतनी स्पीड एक इंडियन ही शो कर सकता है कि बेटा इतने खतरनाक पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करें, वरना हाथ जोड़ लेता है जी, कहीं नहीं जाना हमें आर्मी आर्मी में, अपने घर बैठेंगे, ठीक है, आ जाओ। करो बच्चे क्या आंसर होगा, हाँ देखो दो चीजें कहा गया, एक तो प्रीडेटर और एक मैरोडिंग, ये लिखा हुआ है ना,
ये लिखा था, देखो कहाँ है, डिफेंस लाइन, ये रहा कि माउथ पार्ट ऑफ मैरोडिंग आंट्स, ये जो होते हैं ना अटैक करने वाली आंट्स, इसके मुंह में बेटा वो चला जाता है, मे फॉल द, बुरा कर देता माउथ पार्ट को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी होगा बेटा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, सही है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बताएं 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स इटसेल्फ अनपैलेटेबल, बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक इटसेल्फ अनपैलेटेबल, कौन अपने आप को अनपैलेटेबल बना लिखता है कि पचाया ना जा सके, लीफ रोलर, जेली स्लग, या बेटा एक्वेटिक लार्वा, या फिर लीफ माइनर, क्या आंसर होगा करो। सेशन को बेटा लाइक और शेयर कर दो, बच्चे कम आए हैं, या तो ये कि एनसीआर में मौसम थोड़ा खराब है, बारिश वारिश होने वाली है, तो हो सकता है कि हम लोग बेटा वहां चले गए हूँ बरसात का मजा लेने, ठीक है। फटाफट आंसर बताओ क्या आंसर होगा, फटाफट फटाफट आंसर दो बेटा, क्या आंसर होगा। एक तो बच्चे का आंसर आ जाए तभी एक्सप्लेन कर देंगे, सही यार, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम लगाओगे, पांच पांच दस दस सेकंड के क्वेश्चन है, पूरा पैसेज हिंदी में पढ़ा दिए, ठीक है। बेटा वो तो हमारा पेड कोर्स चल रहा है बेटा 1 बजे से, मैं आपको बताऊं पेड कोर्स चल रहा है बेटा 1 बजे से 1 PM से, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, जेली स्लग होगा, बिल्कुल सही है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन कर दो बेटा, आप देख रहे हो ना कि 20 क्वेश्चन बेटा मोर देन सफिशियंट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के। बात समझे बेटा, हर आप ये देखो 20 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना ही बहुत बड़ा काम हो जाता है जब आप सही से एक्सप्लेन करें तो, और वैसे तो बेटा 1 घंटे में हमने 50-50 क्वेश्चन भी किए हैं। द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज दैट कैटरपिलर लाइक टू ईट अलॉट, हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ्स व्हाइल फीडिंग, और आर गुड टू ईट एंड आर नॉट गुड टू ईट, क्या आंसर होगा करो आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, क्या बात है, बढ़िया बेटा, सर आज फ्राइडे है ना तो वीकेंड होता है, थक गए, हाँ बेटा फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट, ठीक है, ये एंजॉयमेंट की नाइट होती है, ये तो टीचर्स है ना जिनको फ्राइडे नाइट को भी 10 बजे तक पढ़ाना होता है, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप, सही बात है, फ्राइडे थक गए, ये टीचर्स हैं बेटा जिन्होंने रेडबुल पी रखी है, ये तो लगे रहेंगे, कोई बात नहीं, आ जाओ, बी विल बी द करेक्ट आंसर, वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया, खुशी हुई जान के कि ये फ्राइडे नाइट है, आ जाए बेटा। ये हमारी स्पेशल क्लासेस होती हैं जो आप बहुत सारी अटेंड कर सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं है, ठीक है। आ जाओ बेटा, अनपैलेटेबल बेटा जिसे पचाया ना जा सके, ठीक है, उससे अलग बेटा आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन तो समझो गोल्ड सब्सक्रिप्शन है बेटा, ये सिल्वर हो सकता है, ब्रॉन्ज है, ठीक है, गोल्ड सब्सक्रिप्शन यही होगा 9,680 और मैं मिलता 807 रुपए पर मंथ। रेफरल कोड यूज करना बेटा कौन सा, एम सर, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, इस रेफरल कोड के साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट हम बात करें, ये हमारे पेड बैचेज हैं बेटा, अगर किसी को इंग्लिश में डर लगता है और वो चाहते हैं कि टाइम से कोर्स कंप्लीट हो जाए और हम ये एग्जाम निकाल लें, तो बेटा 2 पेड बैचेज मेरे चल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों पेड बैचेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनके टाइमिंग अलग अलग है, ये बेटा 11 बजे से लेकर 12:30 तक होता है और उसके बाद वो वाला बैच 1 से 2 बजे तक होता है, ठीक है। इन दोनों बैच को यदि आप अटेंड करते हैं तो बेटा 4 नवंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। अभी रात को 9 PM पे क्लास होगी पैरा जंबल्ड की, वो भी अटेंड करनी है, मुझे लगता है कुछ बच्चे अब नहीं आएंगे क्योंकि उनका तो बेटा वैसे ही सिरदर्द हो गया होगा पैरा जंबल्ड करते करते। एम सर रेफरल कोड यूज करें किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, 6-day प्लान बेटा 100% फ्री है, सबके पास इस प्लान को शेयर कर दें, ओके। और ये आपका अपना चैनल है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम, चैनल को आज सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और मैं समझ गया कि रीडिंग एबिलिटी वाला सेक्शन बेटा हिला के रख देता है, और कुछ बच्चे यहाँ वैसे हैं जो बेटा अब शाम को सोचेंगे 9 बजे वाले क्लास में आए या ना आए, क्योंकि इतनी मेहनत तो अभी रीडिंग एबिलिटी पे करी, अब कहाँ से जान लेके आएंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।